आते हैं बिकॉज़ वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, और बाकी दिनों में जब आप थोड़े से यू नो अप्स डाउन आपकी ज़िंदगी में चलते रहे तो होली एक त्यौहार ऐसा आता है जो यू नो खुशियों का त्यौहार होता है, तो यू सेलिब्रेट लाइफ एंड हैप्पीनेस विद इट। हर साल किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं आप? होली किस तरह की होली होती है आपकी लाइफ में? वेल, हर साल एक नया एक्सपीरियंस होता है। कई बार अलग तरीके की होली थी, कई बार आप परिवार के साथ मनाते हो, कई बार अपने दोस्तों के साथ होते हो, कई बार मैं आउट ऑफ स्टेशन भी रहा हूँ, कई बार मैं शूट कर रहा होता हूँ और उस दिन होली थी, तो अलग अलग लोगों के साथ एक अलग अलग एक्सपीरियंस और एक मेमोरी रही है होली की। इस साल कितना खास होगा ये सेलिब्रेशन, क्योंकि आपकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कमाल कर दिखाया जी। आई थिंक मेरे लिए तो डबल सेलिब्रेशन है इस बार होली पे, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल रही है फिल्म, तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू प्ले होली। इसके अलावा ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में रंग भरा हो, ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? आई थिंक दोस्त यार बहुत हैं ऐसे जो यू नो एक दूसरे की ज़िंदगी में हम रंग भरते हैं, तो आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कलर के अलावा जो है मिठाई होती है, तो मिठाई कितना पसंद है आपको खाने? जी बहुत पसंद है, बिकॉज मैं एक इंडियन हूँ, एक पंजाबी हूँ, एक फूडी हूँ, तो डेफिनेटली हर तरीके की मिठाइयाँ मैं हर साल एक अलग अलग मिठाई चखता हूँ, तो इस साल भी देखता हूँ कि मतलब जो कोई नई मिठाई मिलेगी तो मैं ज़रूर खाना चाहूँगा। ठंडाई कभी ट्राई किया आपने? जी ज़रूर, और एक बार ठंडाई सोच के मैंने भांग भी पी ली थी, तो हाँ, तो ठंडाई आई रियली लाइक। इस बार कुछ ट्राई करना चाहेंगे इस तरह का, ठंडाई या फिर भांग? या नहीं, भांग से तो मैं दूर रहना चाहूँगा, पर हाँ ठंडाई ज़रूर पीना चाहूँगा, बिकॉज आपको ठंडी करती है जी। इसके अलावा जो है होली की कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बचपन की, क्योंकि बचपन सबका काफ़ी नॉटी होता है, तो उसको लेकर किस तरह की याद है आप? आई थिंक गुब्बारे जो ऐसी चीज़ है जो यू नो आपको फुलाने में बड़ा मज़ा आता है, और एक रात पहले आप प्रिपेयर करके रखते हो ताकि सुबह सुबह उठते ही आप एक दूसरे पे अटैक शुरू करो, तो आई थिंक गुब्बारों की जो मेमोरीज़ है बचपन की, तो वो हमेशा से बहुत क्लोज रही है मेरे। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी मतलब? जी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ बातें चल रही हैं, तो जब तक चीज़ें श्योर नहीं हो तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैं इस समय देख रहा हूँ। इसके अलावा कोई ऐसा कोई जॉनर है जिसमें खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? आपने एंट्री की थी कॉमेडी से जी, तो ऐसा कोई जॉनर है जो जिस जी आई थिंक मैं एक हर तरीके का जॉनर एक्सप्लोर करना चाहूँगा, बट थ्रिलर एक ऐसा जॉनर है जो मैं डेफिनेटली एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। एनी इंस्पिरेशन? लॉट्स ऑफ पीपल यार, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग स्टार्स लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमित जी, सो इनसे मैं इंस्पिरेशन, इनके इंटरव्यूज़ देख के, इनकी चीज़ें, इनके बातें समझ कर, इनकी लाइफ की जर्नी देख कर कुछ चीज़ें अपनाता रहता हूँ, तो आई थिंक इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। इसके अलावा होली के मौके पर कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आई थिंक जस्ट प्ले इट सेफ यार, यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स, सेव वाटर एंड प्ले इट विथ योर लव्ड वंस।